हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आज के वीडियो में हम इसके बारे में क्या क्या बात करने वाला हूँ, क्या क्या दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें हम आज बात करेंगे प्रोजेक्ट नेम की, ऑपरेटर की, और उसके अलावा यहाँ पे किस टाइप का प्रोजेक्ट ये है जो कि चल रहा है, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, टोटल फेजेस या लाइंस जितने में इसमें काम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा टोटल नेटवर्क, इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा मेट्रो के बारे में, और कंप्लीशन टारगेट जो कि पुणे मेट्रो रेल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसका स्टेटस हम आज बताने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका जो ऑपरेटर है वो है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको महामेट्रो भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट टाइप है इसकी, वो है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम टाइप का ये प्रोजेक्ट है जो कि पुणे में चला हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो है हमारे पास 24,773 करोड़ रुपीज़। ठीक है दोस्तों, 24,773 करोड़ रुपीज़ इसमें लगने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। और जो टोटल फेजेस में इसका जो काम होगा वो होगा तीन लाइन्स में। तो दोस्तों एक रेड लाइन है, एक ग्रीन है, और एक इसमें ब्लू लाइन है जो कि कंप्लीशन के बाद ये स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों टोटल जो नेटवर्क है इसमें, जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा मेट्रो रेल के द्वारा, वो है हमारा 85.484 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो कंप्लीशन डेट बताई जा रही है हमें गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमारी 2022 तक है, क्योंकि दोस्तों ये 2021 तक थी लेकिन अब इसको एक साल एक्सटेंड किया गया है जो कि COVID-19 की वजह से, आपको पता है उसकी वजह से इसको 2022 में कंप्लीशन डेट के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों जो इसका स्टेटस है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये प्रोजेक्ट अभी चला हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो पुणे मेट्रो रेल नेटवर्क है, जो टोटल नेटवर्क हमारा है, इसमें जो लाइन वन और लाइन टू के बीच में जो डिस्टेंस है टोटल जो कवर किया जाएगा मेट्रो के द्वारा, वो है यहाँ पे 41.154 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट आने वाली है लाइन वन और लाइन टू के लिए, वो यहाँ पे 16,673 करोड़ रुपीज़ आने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे जो लाइन वन में आने वाले मेट्रो स्टेशन हैं वो है यहाँ पे चिंचवाड़, पीसीएमसी और स्वरगेट एंड कटराज। इन मेट्रो स्टेशन के बीच में ही जो चलाई जाने वाली है मेट्रो स्टेशन वो चलाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से और काफ़ी मेट्रो स्टेशन हैं, लेकिन जो मेन मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो इनका जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 41.154 किलोमीटर आने वाला है। उसके अलावा दोस्तों इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे 26.48 किलोमीटर बताई गई है, और इसमें जो एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे वो होंगे यहाँ पे 15.97 किलोमीटर के बीच में ये आएंगे, और जो अंडरग्राउंड होंगे दोस्तों उनकी जो डिस्टेंस है वो बताया जा रहा है 10.519 किलोमीटर। और इसमें जो टोटल स्टेशन हैं वो टोटल स्टेशन दोस्तों इसमें आने वाले हैं हमारे 21 टोटल स्टेशन हैं, जिसमें से एलिवेटेड जो स्टेशन होंगे वो 12 हैं, और उसके अलावा जो अंडरग्राउंड स्टेशन जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं स्टेशन के नाम आपको बता देता हूँ जो स्टेशन इसमें आने वाले हैं, 21 स्टेशन जो हमारे टोटल इसमें हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें जो पहला स्टेशन आएगा वो चिंचवाड़ आएगा, उसके बाद में आकुरडी आएगा, फिर निगड़ी, पिंपरी, चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको PCMC भी कहा जाता है, और दोस्तों उसके साथ ही इसमें संत तुकाराम नगर, भोसारी, कसरवाड़ी, फुगेवाड़ी, दपोती, बोपोदी, खड़की, रेंज हिल्स और शिवाजी नगर, ASI, PMC, बुधवार पैथ, मंडाई, स्वरगेट, गल्टकी मार्केट यार्ड, साई बाबा नगर एंड कटराज जो कि इसका लास्ट स्टेशन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको लाइन वन में दिखा चुका हूँ, जो चिचवाड़ से स्टार्ट होने के बाद में हमारा सेंटर जो पॉइंट आएगा PCMC आएगा, उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हमारा यहाँ पे आता है स्वरगेट, उसके अलावा जो लास्ट हमारा जो मेट्रो स्टेशन है वो आता है हमारा कटराज मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों इसका जो रेल मेट्रो स्टेशन का जो डिपो चलने वाला है वो डिपो चलेगा रेंज हिल्स के नाम से।
तो अगर आपको इनमें से किसी भी स्टेशन पे जाना है तो आपको रेंज हिल्स नाम से जो डिपोट चलेगा आपको उसमें ही सवार होना है, तभी आप इन स्टेशन पे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो लाइन टू है। आपको पता है कि लाइन टू हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा दोस्तों? जो लाइन टू है वो हमारी ऑपरेट हो रही है वनिश से लेके रामबाड़ी के बीच तक। जो हमारा फर्स्ट स्टेशन होगा दोस्तों वो होगा वनिश, और दूसरा जो लास्ट स्टेशन होगा वो रामबाड़ी होगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, इसकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई जा रही है लाइन टू की, वो हमारी आएगी 8,300 करोड़ रुपीज़, ठीक है दोस्तों। जो इसकी टोटल लेंथ है वो यहाँ पे बताई जा रही है 14.665 किलोमीटर। आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो टोटल स्टेशंस की संख्या है वो हमारे पास 16 है। इसमें कोई भी अंडरग्राउंड स्टेशंस नहीं है, जो भी स्टेशन इसमें है वो एलिवेटेड स्टेशंस है, वो ऊपर ही चलेंगे, वो आपको एयर स्टेशंस ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको मैं स्टेशंस के जो नेम है वो बताया था दोस्तों। जो हमारा पहला स्टेशंस है वो आ रहा है हमारा बनज, उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो स्टेशन आ रहा है वो है आनंद नगर, फिर आइडल कॉलोनी आएगी, फिर नाल स्टॉप, गरबार कॉलेज, डेकन जिमखाना, संभाजी पार्क, पीएमसी, सिविल कोर्ट, मंगलवार, पेथ और पुणे रेलवे स्टेशन, रूबी क्लिनिक, बुंद गार्डन, याराबेड़ा, कल्याणी नगर, और लास्ट में जो हमारा स्टेशन आने वाला है वो आ रहा है रामबाड़ी मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों इस पे जो डिपो चलेगा वो डिपो चलेगा वनज नाम से। तो आपको अगर इनमें से किसी भी स्टेशन पे जाना है तो आपको वनज नाम के स्टेशन डिपो से ही आपको बैठना पड़ेगा, तो ही आपको वो आगे पहुंचाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरी लाइन है जो कि अभी शुरू नहीं हुई है, ये हमारी भविष्य में शुरू होने वाली है। जो मैं दो लाइनों को आपको बता चुका हूँ, लाइन वन और लाइन टू, वो अप्रोक्सीमेटली 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी सर्विस के लिए। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरी लाइन है जो कि ब्लू लाइन बनने वाली है, उसके अलावा कुछ भी इसमें एडिशंस हो सकती हैं। इसमें अभी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्सटेंड होगा, इसके लिए अभी 1,000 करोड़ रुपये और एक्सटेंड करके दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो ये जो मेट्रो लाइन है इसमें जो पहला स्टेशन होगा वो होगा हमारा हिजड़वाड़ी से लेकर शिवाजी नगर तक, ठीक है दोस्तों। जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है वो है हमारी 8,100 करोड़ रुपीज़। टोटल लेंथ के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो टोटल लेंथ जो आएगी इसकी आएगी 23.33 किलोमीटर, और जो इसमें टोटल स्टेशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं 23। ऑल स्टेशंस एलिवेटेड हैं, कोई भी अंडरग्राउंड स्टेशन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें जो टोटल स्टेशंस के नाम है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें जो पहला नाम आएगा वो मेगा पॉलिस सर्कल आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वाड्रेंट आएगा, डोहलर आएगा, इन्फोसिस फेज टू, विप्रो फेज टू, पाल इंडिया, शिवाजी चौक, हिंजेवाड़ी, बकार्ड चौक, बलेवड़ी स्टेडियम, NICMAR, रामनगर, लक्ष्मीनगर, बालेवाड़ी पाथा, बैनरगौन, बैनर कृषि, अनुसाधन, सकल नगर, यूनिवर्सिटी, RB.I, एग्रीकल्चर कॉलेज एंड शिवाजी नगर, जो कि हमारा लास्ट स्टेशन आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो ड्यूपो चलेगा वो चलेगा मान विलेज के नाम से दोस्तों। दिस लाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर PPP मोड। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बारे में आपको फर्दर जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये डिटेल तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसके बारे में, यहाँ पे मेट्रो के प्रोजेक्ट के, उसके अलावा इसके कोस्ट लाइन और डिस्टेंस, ये सभी मैं आपको इसके लिए बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस है वो आपको इजीली मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।